पूरा शहर दिन पर दिन गंदगी और प्रदूषण से भरता जा रहा है, इसको लेकर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। लेकिन कोई अच्छा नागरिक अगर इसको देखता है और वो अपनी आवाज़ उठाता है तो शायद लोगों को ये पसंद नहीं आता। आम महानगर पालिका के कर्मचारी भी उस नागरिक को अपने हाथों से दबाने की कोशिश करते हैं और आवाज़ से दबाने की कोशिश करते हैं। जहाँ महानगर पालिका के कर्मचारी, वहीं आम नागरिक भी लाखें कचरा सड़कों पर ही डाल रहे हैं। अकोला शहर को गंदगी का ढेर बना के रख दिया है, कोई भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाने को तैयार नहीं। वहीं मनीष शेट्टी मतलब जैन ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। देखिए, तुमको जरा सा बोले कि तुम्हारा अंग पर आते इसलिए तुमसे अंग पर मैं तुम्हारे कभी नहीं वही नहीं कभी नहीं ये झूठ है। जोर जोर से बोलते हो अंग पर आते चलो मेंबर कल चलो बाबू साहब चलो कुछ नहीं बाबा काय क्या बोलेंगे रोज जानने तो ये कचरा जलाते तो आपका काम नहीं बोलने का घर के सामने जल रहा है बड़बड़ करती ना भाई वो हाँ। ना उसको यहाँ देखो वो वहाँ जलाए गाड़ी के पास लेकिन यहाँ पे रोज घंटा गाड़ी आती तो वहाँ पे कचरा डालने का क्यों बोलते तुम लोगों को परमिशन देते हैं भैया हम रहते उधर और हम कचरा गाड़ी आती है उसमें हम कचरा डाल देते हमारे घर के तरफ आती गाड़ी क्यों जलाए मेंबर साहब को भी मैंने उस दिन बोली क्या उड़ता पूरा कचरा ये भाई को मैंने बोला कि कचरा मत जलाओ प्लास्टिक मत जलाओ तो बोले मेरे को मेंबर ने बोला जलाने के लिए मैंने बाबूजी ने भी देखे उस दिन मेरे को बाबूजी बोले मैं कचरा कुंडी जब तक गाड़ी में लगा दिया वैसे करूँ साहब तुम मैंने तो साहब मेरे को बोल रहा है मेरी कौन सी गलती है साहब मेरे किसको बुरा बोली मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हारे को मैंने पहले बोल के गया तुम बोले कि मेरे को सामने बोले तुमको जो करना कर लो फिर मैं आया वापिस से हाँ फिर क्या बोले तुमने तुमने क्या बोले कि मेरे को मेंबर ने ऐसा बोला करने के लिए साहब कचरा कुंडा जला दूते हाँ तो उन्होंने हाँ बोल दी तुम्हारे को बोलेंगे तो तुम जलाएंगे तुमको समझता नहीं प्लास्टिक नहीं जलाने का भंडारी बहुत उड़ रहा था कचरा तुम अभी मेरे को फोन लगा के बुला लिया करो गाड़ी वहाँ पे मेरे पास नंबर नहीं साहब आपका नाम क्या है संतोष डॉ तो आप क्या बोलते चुनके आए हुए के मेंबर है क्या मैडम आई हुई आपके मैडम आई हुई है चुनके तो ये आपका नाम लेके जो है आपको बदनाम कर रही तो आपका इसके बारे में कुछ बोलना है बदनाम नहीं कर रही साहब बदनाम नहीं कर रहे हो उनको बोलना है मैंने साहब ने देखे मैं कचरा जलाते हुए गाड़ी में जो कचरा आता ना गाड़ी डाल दिया करो ठीक है कल से नहीं जलाऊंगी इसने बताया जलाने का नहीं तुमने मेरे को ऐसा नहीं बोला मैंने तुमको इतना ही पूछी साहब मैंने भी कचरा कुंडी उड़ती साहब ने कुछ नहीं बोला डॉक्टर मनीष सेठी जैन अच्छा मैं ही रहता देवरा बाबा की चाल में मेरा क्या हुआ गरीब का मैं तो जला नहीं जलाऊ मेरे को क्या पड़ता जलाया मत करो ठीक है कोई बात नहीं मैं लगा दे करूंगी पूरा झाड़ के नियम के अनुसार जला नहीं सकते ठीक है कोई बात नहीं कचरा कुंडी की जो गाड़ी मैं कल से बातचीत भी लगाऊंगी नहीं एक भी कोई कचरा कुंडी की टाइप कुछ नहीं मेरा पूरा रोड का कचरा पूरा वहाँ पे जमा करके लगा दे करूंगी पूरा बोला करके एक जगह जलाना नहीं जलाऊंगा साहब का अधिकार नहीं है नहीं नहीं कोई हरकत नहीं तुमने बोले मेरे शर्मा थी तुम्हारे शब्द मैं कहीं को जलाऊ फिर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं मेरा पूरा समटूंगी और पूरा रोड का उठाऊंगी नहीं वही साहब तुम्हें बोली भाई तुम बेर तो कहीं को एक बोले साहब तुमने साहब का नाम लिए मेंबर ने बोले जलाने को इसके लिए मैं यहाँ आया नहीं तो यहाँ आता था क्या मैं नहीं साहब अरे बाबा मेरे मेंबर साहब ने मेरे को उस दिन ही देखे हाँ तो उन्होंने देखे तो तुमको बोले नहीं क्या जलाना नहीं बोल के बोले मेरे को साहब ने तो फिर क्यों जलाया तुमने मेरे साहब कचरा कुंडी उड़ती हाँ। जब तक गाड़ी नहीं आती तब तक मैं मोटा मोटा जला देती नहीं जलाने का ना प्लास्टिक जलाना तुम्हारे को समझ में नहीं आता पोल्यूशन होता अब आप साहब ये अपने को तो मालूम नहीं था लेकिन अब तुमने बोल दिया मेरे को जला रहा मैं नहीं जलाऊंगी बारी समझाया कि कोई चीज ऐसी नहीं करना गाड़ी आपको ठीक है साहब नहीं जलाऊंगी कोई हरकत नहीं बस ठीक है और कुछ संतोष जी आज के बाद में ये आपके अगर आप इस एरिया के आपके मिसेज भी है और आप जवाबदारी लेते होंगे जाते हुए आपके मिसेज से भी मैं बात करूंगा अगर कोई भी भाई जो है यहाँ पे कचरा जलाएंगी तो मेरे को चलेगा नहीं प्रॉब्लम नहीं मेरे रोड का पूरा कचरा उठाऊंगी पूरी कचरा कुंडी समेट के वही लगाऊंगी मैं जलाऊंगी नहीं तो घंटा गाड़ी में डालने की किसकी जवाबदारी रहती है आपको कुछ आइडिया है क्या संतोष जी जो है ना कचरा गाड़ी झाड़ की जमा करते है हाँ। उसके बाद में जो ट्रैक्टर जो आता है ना जमा करते ट्रैक्टर आने के बाद में वो ट्रैक्टर उठाया जाता हाँ। वो ट्रैक्टर जल्दी आता नहीं बाबूजी ट्रैक्टर जल्दी नहीं आता तो उसके लिए क्या करना पड़ता है क्या करते तुम तो चार चार दिन नहीं आता तो फिर मैं क्या करती उड़ता तो जला डालते नहीं सर के ऊपर दिखा तो उड़ते रहा तो फिर मैं कभी कभी माचिस लगा रोड आज के बाद में अगर तुमने कचरा जलाया हुआ देखे ना तो मैं ऊपर तक जाऊंगा अभी सिर्फ मेंबर तक आया मैं अब तुमने मेरे को बोल देना हम कचरा कभी जलाएंगे भी नहीं तुमको दिखेंगे भी बस है।